आज आपको कक्षा 11वीं हिंदी आरो वे आंखें जो काव्य है, कविता है, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। और इनके जो कवि हैं, जो काव्यकार हैं, सुमित्रा नंदन पंत, उनके जीवन परिचय के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। उनका जन्म कुर्माचल प्रदेश के आल्होड़ जिले के अंतर्गत कसौली ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता ने बचपन में इसका नाम गोसाई दत्त रखा था। सुमित्रा नंदन पंत के माता पिता का निधन इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। पालन पोषण माँ का निधन हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी के हाथों हुआ। केवल 7 साल की उम्र में ही जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी इन्होंने सबसे पहली बार छंद की रचना की। आगे की पढ़ाई करने के लिए जब आल्होड़ा आए तब इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इससे पहले इनका नाम गोसाई दत्त था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के 1919 में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश किया। जीवन काल सुमित्रा नंदन पंत जी ने पत्रिका का भी संपादन किया जिसका नाम रूपाभ था। इसके बाद कई सालों तक वह आकाशवाणी ने उच्च पद पर आसीन रहे। पंत जी ने अपना पूरा जीवन अविवाहित ही बिताया और अपना जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। इनकी रुचि कविता में बचपन से कुछ ज्यादा थी। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, इनकी जो काव्य रचनाएं मैं उसके बारे में आपको बतला रहा हूँ। सुमित्रा नंदन पंत जी ने सन 1950 ईस्वी में आकाशवाणी में संबद्ध हुए और प्रयाग में रहकर साहित्य सृजन करते रहे। इनके कला और बूढ़ा चंद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। पंत जी ने सुंदरम के कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। इनकी शुरुआत रचनाओं वीणा ग्रंथी पल्लव और गुंजन में इन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों का सुंदर अभिनंदन किया। इसकी काव्य दृष्टि के विकास में इनके काव्य संकलन पल्लव की रचना परिवर्तन का विशेष महत्व है। इसके संकलन युगान की रचनाओं में पुरानी व्यवस्था को विनष्ट करके नई व्यवस्था लाने का रूप दिखाई देता है।
इसके युगवाणी और ग्राम संकलन की रचना में इसी विचारधाराओं की अभिव्यक्ति मिलती है। सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा शैली कैसी थी उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इनकी भाषा सदा ही बड़ी चित्तमयी रही और बड़े ही मनोरम बिंबों की योजना बनाती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सदयमूलक अलंकार इन्हें बहुत प्रिय हैं। इनकी काव्य रचनाओं को पढ़कर यह निर्णय नहीं हो पाता कि वे कवि अधिक हैं या विचारक। इनका काव्य नारी, प्रकृति, मानवतावाद तथा चेतनावाद से घिरा हुआ है। सुमित्रानंदन पंत जी की जो मृत्यु है सन 21 दिसंबर 1977 को हुई। वे आंखें जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कविता है उसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और वे आंखें जो किसान है, जो खेती करता है, उसका किस तरह शोषण हो रहा है उसके बारे में आपको बतला रहा हूं। ये पंक्तियां हैं उनकी, अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा है दूर तक उनमें दारुण, दैन दुख का नीरव रोदन, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कागार सदस्य वह खिसका। इसके जो भावार्थ हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई हैं। कविता वे आंखों से ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रस्तुत कविता में कवि पंत जी के द्वारा भारतीय कृषि के शोषण व उनकी जो दयनीय दशा है को वर्णित किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसानों की दयनीय स्थिति का बेहद मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि जो शोषित किसान हैं उनकी आंखें मानो अंधेरी गुफा के समान दिखती है, जिनसे मेरा मन भयभीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें दूर तक कोई कष्टप्रद व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि वह सदैव स्वाधीन किसान था, उसके अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज संसार ने उसे समस्याओं के मझधार में छोड़कर उससे दूर चला गया। आज वह किसान अकेला पड़ गया। जो इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी ने जो किसान हैं उनका कैसा शोषण हुआ, वह कितने कष्ट में खेती बाड़ी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए जो पीड़ा है कवि के मन में उन्होंने अपने शब्दों में उसको व्यक्त किया है। क्योंकि वह भी कभी खेती किया करते थे तो उनको
इस चीज का पूरा एहसास है कि किसान का, कृषक का इस देश में क्या स्थिति है, वह कितना कष्ट में अपना जीवन जी रहा है। इसके बारे में उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा इसको व्यक्त किया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर करिए। आगे के पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगा। हो गया।